सब्सक्राइब कीजिए टोटल हिंदी टेक्निकल को, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट और कंपोनेंट की जानकारी के लिए, वो भी हिंदी में, और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों आपका। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि एक एसी सप्लाई को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों एसी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी, वो इस प्रकार होगा। सबसे पहले एक हमें खाली बॉक्स चाहिएगा इस पूरे सर्किट को जोड़ने के लिए। उसके बाद हमें एक बल्ब की ज़रूरत पड़ेगी, एक रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, एक हमें होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी टेस्टिंग के लिए, और एक हमें सप्लाई से जोड़ने के लिए हमें पावर की लीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये कुछ सामान हमें चाहिएगा, तो अब शुरू करते हैं कैसे कैसे हमने क्या करना है। देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, इस होल्डर में ये बल्ब को इस तरह से इंसर्ट करना है हमें। और सबसे पहले हम इसके एक होल्डर के और इस रेगुलेटर के कनेक्शन करेंगे। उससे पहले हम इसको यहाँ पर असेंबल करेंगे, दोनों चीज़ को, होल्डर को और इस रेगुलेटर को। तो दोस्तों पहले हम रेगुलेटर को असेंबल करते हैं। कुछ इस तरह से आपको दोनों वायर को निकाल देना है और ऐसे इसमें फंसा देना है आपको। अब हम इसको होल्डर को यहाँ पर स्क्रू की मदद से जॉइंट कर देंगे। तो दोस्तों ये रहे स्क्रू, अब मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर मैं ये होल्डर को कनेक्ट कर चुका हूँ। अब दोस्तों हम इस सर्किट के कनेक्शन करेंगे, तो इसको उल्टा कर लीजिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं होल्डर के दो यहाँ पर पिंस हैं जो हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास ये पावर की लीड है, पावर सप्लाई की, ये इसको कनेक्ट करेंगे हम। सबसे पहले इसका एक वायर, ये ब्लू कलर वाला वायर आप छील लीजिए। इस ब्लू कलर वायर को होल्डर के एक पिन में अटैच कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों एक होल्डर की पिन में अटैच हो चुका है। अब दूसरा इस रेगुलेटर का एक वायर इस होल्डर की दूसरी पिन में अटैच कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर होल्डर में एक तो मैंने मेन पावर का सीधा होल्डर में कनेक्ट कर दिया, और दूसरा जो एक पिन बचा उसमें हमने ये रेगुलेटर का एक वायर अटैच कर दिया। अब हमने क्या करना है, एक वायर हमें पावर सप्लाई का बच गया और रेगुलेटर का एक वायर बच गया, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर देना है। तो इन्हें मैं दोनों शॉर्ट करने जा रहा हूँ, और इसको आप टेप से बांध देंगे। ये रहा टेप, अब देखिए दोस्तों एक बार मैं दोबारा आपको कनेक्शन बता दूं। पावर की लीड है जो, उसका एक सीधा पॉइंट हमने होल्डर के सीधे वायर से पिन से कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा होल्डर का जो पिन बचा इसका एक रेगुलेटर का एक वायर हमने सीधा होल्डर के दूसरे पिन से जोड़ दिया। अब रेगुलेटर का जो दूसरा वायर बचा और मेन पिन का जो दूसरा वायर बचा, इन दोनों को आपस में शॉर्ट कर दिया। ये देखिए एक लीड का यहाँ पर वायर है और एक रेगुलेटर का, और लीड का आपस में शॉर्ट है और रेगुलेटर का दूसरा वायर पिन के साथ में है। तो इस तरह से आपका ये पूरा सर्किट चालू है। अब ये रहा हमारा लीड, इसको हमने सीधा बोर्ड से कनेक्ट कर देना है। तो ये रहा दोस्तों बोर्ड, और इसमें आपको ये होल्डर में बल्ब लगाना है। ये देखिए ये बल्ब लग चुका है। अब हम सीधा इसको अटैच करने वाले हैं सप्लाई बोर्ड के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब बल्ब को, ये देखिए देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप जितनी चाहे बल्ब की रोशनी उतनी कर सकते हैं, ये इजी तरीके से बिल्कुल आराम से हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर तो ये बल्ब है, इसकी जगह आप एलईडी बल्ब को भी लगा सकते हो। एलईडी बल्ब को भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। ये रहा दोस्तों एलईडी बल्ब,
तो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है। ये मैं धीरे धीरे इसकी वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फुल लाइट के साथ जला हुआ है। अब मैं धीरे धीरे इसको कम कर रहा हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से ये देखिए एलईडी बल्ब भी बिल्कुल जैसे चाहे वैसे कम हो रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से एक रेगुलेटर की मदद से भी आप एसी को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के सारे वीडियोज़ और सारे प्रैक्टिकल मेरे हिंदी में आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।